मैं सभी को जाके कंप्लेन कर रहा हूँ अभी के अभी। सभी देखो आपकी आई अभी से ना रो रही है इतनी। हाँ अच्छा, और लड़का हुआ तो? तो सेहरा, देख तेरी आई रो रही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तुम दोनों को बधाई देने आई हूँ। आखिर मैंने जो भी किया है वो तुम दोनों के लिए तो किया है, और खास तौर पर सही के लिए। थैंक यू पाकी। वैसे अच्छा किया आपने जो बच्चे के असली माँ बाप को बधाई देने चली है। अब 9 महीने तक ये बात याद रखिएगा। मैं भूलना चाहूँ भी तो तुम भूलने तो नहीं दोगी ना? ये बात भी सही है। एक मिनट, ये लो पानी। अगर तुम्हें तकलीफ नहीं है तो तुम मुझे गर्म पानी लाके दोगी? मैं लाती हूँ। लाई। बैठ जा। बैठ। विराट, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी या सही की मुझसे कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं तो प्लीज ऐसा सोचो भी मत। तुम अभी सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखो। अगर आज सम्राट यहाँ होते तो वो दिलो जान से मेरा ख्याल रखते। सम्राट मुझसे बहुत प्यार करते थे विराट, और मैं भी उनसे प्यार करने लगी थी। काश ये बच्चा मेरा और सम्राट का होता तो वो इसके बाप की हैसियत से मेरा हर पल ख्याल रखते। I'm sorry, पाकी। तुम्हें अपनी जिंदगी में ये खुशियां नहीं मिल पाई। अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आऊं तो मुझे बताना जरूर। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक औरत ना खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौर में बहुत सारे परिवर्तन से गुजरती है। इस सब का तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे मूड पर कैसा भी असर पड़ सकता है। विराट, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? गले? मुझे सम्राट की बहुत याद आ रही। देखो बाकी जीवा को याद कर रही है। मैं समझ सकती हूँ। सम्राट दादा अगर जिंदा होते तो वो ये जानकर कितना खुश होते कि मैं और विराट आई बाबा बनने वाले हैं। आपको कभी भी सम्राट दादा की याद आए ना तो आप मुझे हक कर लेना। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाके। पाखी दीदी, आपका गर्म पानी। थैंक यू। मैं खुश हूं सही कि तुमने अपने और पाखी के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सारी मिटा दी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुमने अभी पाखी को गले लगाया ना,
वो तो इसलिए क्योंकि वो भोलेपन का खेल खेल के आपको गले लगाना चाहती थी, आपके करीब आना चाहती थी। ये सब क्या कह रही हो तुम सही? बाकी सच में भी तो सम्राट को मिस कर सकती है ना, फिर से उसकी नीयत पर शक कर रही हूँ। चलिए मान लेते हैं कि पाखी दीदी सम्राट दादा को मिस कर रही थी और जज्बाती हो गई। मैंने उन्हें हक कर लिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो आपकी अटेंशन पाना चाहती हैं, आपको अपने करीब लाना चाहती हैं, और आप जानते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक औरत को एक औरत ही समझ सकती है विराट। पाखी दीदी ने अपनी जान लगा दी हमारा अंश अपनी कोख में रखने के लिए, वो आपके करीब आना चाहती है। सब फिर से हो रहा है, भूल जाओ ये सब कुछ। तुम सिर्फ अभी पाखी की प्रेगनेंसी पर ध्यान दो, ओके? मेरा पूरा ध्यान उसी पर है। गुड। और उनका सारा ध्यान आप पर, इसीलिए भले ही हमारा बच्चा उनकी कोख में 9 महीने रहेगा, लेकिन उसे पालूंगी मैं, और मैं इस बात का पूरा ध्यान दूंगी कि पाखी दीदी का ध्यान अपनी प्रेगनेंसी पर से ना भटके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सही मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? क्यों, अब क्या हुआ? मैं विराट को गले लगाना चाहती थी और सही बीच में आ गई और उसने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने ये दिल से किया था या फिर कोई और ही बात है। वैसे मैं तो श्योर हूँ कि वो मेरे साथ नॉर्मल होने का नाटक कर रही है, क्योंकि मेरे पेट में उसका बच्चा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने ये सब मन से किया था या फिर विराट को मुझसे दूर रखने का एक तरीका। आई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आखिर सही ना बहुत समझदार है, अगर तुम उसके पति के करीब जाने की कोशिश करोगी तो ये बात वो समझ जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आई, पहली बार मेरे पास विराट के करीब जाने की कोई वजह है, क्योंकि मेरे पेट में उसका बच्चा है। बेटा विराट का बच्चा नहीं, सही और विराट का बच्चा। मैं जानती हूँ तुम्हें आजकल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस घर में सब तुझे रानियों की तरह रख रहे हैं, क्योंकि इस खानदान का चिराग तेरे पेट में है। अब तो भवानी जी भी तेरे पांव दबाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तू चमक तो ये पत्थर को हीरा समझने की गलती कर रही है बेटा, लेकिन ये चमक ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं। जिस दिन ये 9 महीने पूरे हुए, तूने ये बच्चा पैदा करके सही विराट को दिया ना, इस घर में तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप कहना क्या चाह रही हैं आई? मैं तेरी आई हूँ बेटा, तेरे कल की ना फिक्र है मुझे, चिंता होती है देख के कि तू ऐसे कैसे अपनी लाइफ मैनेज करेगी। आप इतना परेशान मत हो आई, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। तुझे एक दिन मेरी बातें समझ आएंगी बेटा, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।